तो फ्रेंड्स, हमने सीएसएस के लास्ट क्लास के जरिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी के अंदर पर्सपेक्टिव वैल्यू को यूज करके देखा था। तो आज के इस वीडियो के जरिए हम इस पर्सपेक्टिव वैल्यू को हम एज अ सेपरेट प्रॉपर्टी की तरह यूज करके देखेंगे। तो चलिए इसे समझने के लिए सीधा चलते हैं अपने पीसी पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एचटीएमएल वेब पेज है और ये हमारा एचटीएमएल कोड है, ठीक है, और जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास के जरिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी के अंदर पर्सपेक्टिव वैल्यू को यूज करना सीखा था, ठीक है। चलिए आज हम इस पर्सपेक्टिव वैल्यू को सेपरेट प्रॉपर्टी की तरह कैसे यूज किया जाता है वो सीखेंगे। तो फ्रेंड, जब भी हमें पर्सपेक्टिव को एज ए प्रॉपर्टी की तरह यूज करना हो तो जिस एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज की है उसके पेरेंट एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर हमें ये पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है ये किस एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर यूज किया है, ये हमने इस एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर यूज किया है जिसका क्लास ये है और ये क्लास हमने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। और इसका जो पेरेंट एचटीएमएल एलिमेंट कौन सा है, ये है, ठीक है। और इसका क्लास हमने कौन सा दिया है, ये वाला। और इस क्लास के अंदर हमें पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए मैं यहाँ से इस पर्सपेक्टिव वैल्यू को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ये जो हमारा पेरेंट एचटीएमएल एलिमेंट का जो क्लास है इसके अंदर हम पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम अपनी वैल्यू देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। चलिए इसे सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी है वो काम कर रही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं वैल्यू कम कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 100 पिक्सल रखा, ठीक है। चलिए सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए अब हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से हम पर्सपेक्टिव को एज ए सेपरेट प्रॉपर्टी की तरह भी यूज कर सकते हैं। आई होप आज का हमारा ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।